आप सभी को मेरा प्रणाम। वेदांत केसरी मल्लिकार्जुन महास्वामी जी हमेशा माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्षी की माला, हाथ में धर्म धंडा और पैरों में चरण कड़ाव पहनते थे। उनका शरीर लंबा था। ये दिव्य योगी धर्म परिराजक यात्रा करते हुए जोगुल गांव में 1951 में गए। कृष्णा नदी के तट पर दत्तोपंत कुलकर्णी की वाटिका में पहुंचे। दत्तोपंत कुलकर्णी ने स्वामी जी से वाटिका में रहने के अनुरोध किया। स्वामी जी वहां पर रहने लगे। स्वामी जी रोज प्रवचन सुनाते थे। प्रवचन का प्रभाव गांव में और आसपास के गांव में हुआ। प्रवचन के समय किसान की फसल कट रही थी। किसान अनाज को खेतों में छोड़कर प्रवचन सुनने आ गए। इसके पहले खेतों में अनाज की चोरी हो जाती थी। जब से लोगों ने प्रवचन सुनना शुरू किया तभी से खेतों में अनाज की चोरी समाप्त हो गए। गुरुजी के प्रवचन का लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा। गुरुजी के प्रवचन की छाप लोगों के हृदय पर पड़ी, जिससे लोगों ने चोरी व्यसन झगड़ द्वेष नफरत छोड़कर गुरुजी से दीक्षा लेकर आध्यात्मिक मार्ग पर आ गए। वही नदी के रेत पर गुरुजी कोटि जप यज्ञ का आयोजन किया। इसमें काफी लोग एकत्रित हुए। इसके प्रभाव से गांव और आसपास के गांव आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ गए। दत्तोपंत कुलकर्णी हर वर्ष एकादशी को पंढरपुर में विठल भगवान के दर्शन के लिए जाते थे। स्वामी जी वहां कुटिया पर थे तो दत्तोपंत कुलकर्णी एकादशी को विठल भगवान दर्शन करने के लिए नहीं गए। तब स्वामी जी ने कहा, आप विठल भगवान के दर्शन को क्यों नहीं गए? तब दत्तोपंत कुलकर्णी ने कहा, आप स्वयं विठल भगवान हो। गांव में स्वामी जी ने युवाओं को कुश्ती कबड्डी ऐसा ग्रामीण कला प्रतिभाओं को प्रेरणा दी। कोपेश्वर शिवलिंग के रुद्राभिषेक पूजा पाठ करवाए। गांव के विकास में स्वामी जी का महत्वपूर्ण योगदान था। अभी भी गांव में सभी लोग मिलकर सद्भाव से आध्यात्मिक कार्यक्रम करते हैं। गंगा जी में स्नान करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। उसी तरह महापुरुषों के सत्संग से व्यक्ति पवित्र होता है। सद्गुरु के यहाँ भी चरण पड़ते हैं, वह स्थान पवित्र हो जाता है।